नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिप्लब ब्लॉग्स एंड स्टॉक्स में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वैंड इंडिया के बारे में। इस स्टॉक की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहेगा मेरे इस वीडियो के साथ। और आपको बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं देता है, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया गया है, तो एजुकेशन पर्पज़ पर ही लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी आप देख सकते हो, वैंड इंडिया नॉन फॉर इट्स डाइवर्सिफाइड एंड इम्प्रेसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इनोवेशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पर्सनलाइज्ड टेक्निकल सर्विस एंड प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इन ग्राइंडिंग टू द 750 प्लस डायरेक्ट कस्टमर इन द डोमेस्टिक मार्केट। आप देख सकते हो डोमेस्टिक मार्केट में पर्सनलाइज्ड टेक्निकल सर्विस, इसके अलावा प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, और इसके अलावा स्ट्रांग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन स्ट्रेटजी, इम्प्रेसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो ये सब इनकी सर्विसेज है। ये कंपनी जो है इनका मेन बिजनेस है। इसका चलिए चलते हैं इसके वैल्यूएशन पे। तो वैल्यूएशन में मार्केट कैपिटलाइजेशन 1264 करोड़ का है, 10 का फेस वैल्यू है, EPS 124.50 का है, PE 50.79 का PE है, सेक्टर पी 83.61 का सेक्टर पी है, बुक वैल्यू 716.91 का बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 0.47 का है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन तो अच्छा ही नज़र आ रहा है। इसका चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में नए हो और अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया, तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए चलते हैं अब इसके बाद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिसंबर 2021 और सितंबर 2021 का रेट है। तो सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है सितंबर 2021 में 75% शेयर प्रमोटर्स के पास थे, वहीं दिसंबर 2021 में भी 75% शेयर प्रमोटर्स के पास है, यानी नए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है इंक्रीज़ किया, नए डिक्रीज़ किया है। प्लस शेयर देखते हैं, प्लस शेयर हुआ था जो प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रखते उसको प्लस शेयर कहा जाता। तो प्लस शेयर सितंबर 2021 में 0 था, यानी कंपनी जो है माफ़ कीजिएगा, प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखे थे। वही दिसंबर 2021 में भी 0, यानी प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट के प्रमोटर्स ने अपना शेयर गिरवी नहीं रखे। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर की, जो कि FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर माने जाते हैं। तो इनकी जो होल्डिंग है सेप्टेम्बर 2021 में 0 था, दिसंबर 2021 में 0.04% शेयर फॉरेन इन्वेस्टर के पास है, यानी सितंबर में फॉरेन इन्वेस्टर ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया और दिसंबर 2021 में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टरों ने किया, तो ये अच्छी बात है। और जो दूसरे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनीज, इनकी जो होल्डिंग है सितंबर 2021 में आप देख सकते हो 6.59% शेयर प्रमोटर्स के पास थे, वही दिसंबर 2021 में 6.59% शेयर प्रमोटर्स ने म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास थे, वहीं दिसंबर 2021 में भी आप देख सकते हो 6.59% शेयर जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास है। अब बात करते हैं अदर्स की, तो अदर्स सितंबर 2021 में 18.32% शेयर अदर्स के पास थे, वहीं दिसंबर 2021 में 18.28% शेयर जो अदर्स के पास है। तो पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर जो प्रमोटर्स से होते हैं, प्रमोटर्स के सबसे ज़्यादा शेयर से, और प्लस 0.00, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड कंपनीज, इसमें से फॉरेन इन्वेस्टर ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया, इससे पहले फॉरेन इन्वेस्टर ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। और म्यूचुअल फंड कंपनीज की वही होल्डिंग है पहले जो होल्डिंग थी, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का फिर अच्छा ही मानेंगे। इसका चले चलते इसका लास्ट थ्री क्वार्टर का जो रिजल्ट था, रिजल्ट मैं आप लोग दिखा देता हूँ। तो लास्ट थ्री क्वार्टर के रिजल्ट में दिसंबर 2021, सितंबर 2021 और जून 2021 का डेटा है। तो सबसे पहले सेल्स देखते, तो सेल्स जून 2021 में 37 करोड़ का सेल्स था, वहीं सितंबर 2021 में 40 करोड़ का सेल्स था। तो जून से सितंबर में सेल्स इंक्रीज हुआ था, नहीं बढ़ा था। और दिसंबर 2021 का जो सेल्स 36 करोड़ का सेल्स है, तो ये सितंबर से डिक्रीज और जून से भी डिक्रीज हुआ है। तो कंपनी को इस बारे में ध्यान जरूर देना चाहिए, अपने सेल्स को इंक्रीज करना चाहिए। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं सबसे नीचे सबसे बॉटम में, तो नेट प्रॉफिट जून 2021 में 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं दिसंबर 2000 माफ कीजिए सितंबर 2021 में आप देख सकते हो 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो जून से सितंबर में नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ था, जैसे कि सेल्स इंक्रीज हुआ था। और दिसंबर 2021 का जो नेट प्रॉफिट है 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, तो सितंबर से डिक्रीज हुआ है। तो कंपनी को चाहिए कि सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही क्वार्टर बाई क्वार्टर इंक्रीज़ करे, तभी कंपनी के ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
इसके बाद इसका बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो बैलेंस शीट में मार्च 2021 और मार्च 2020 का डाटा है। तो सबसे पहले टोटल शेयर कैपिटल देखते हैं। तो टोटल शेयर कैपिटल दोनों ईयर में सेम है, 2 करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल है दोनों ईयर में। नेटवर्थ की बात करते हो, मार्च 2020 में 119.66 करोड़ का नेटवर्थ था, वही मार्च 2021 में 125.58 करोड़ का नेटवर्थ है। टोटल डेट देखते हैं कंपनी को और कर्जा कितना। तो टोटल डेट मार्च 2020 में 0 था, ना ही कंपनी को और कोई कर्जा था, ना ही आप दोस्तों किसी को कर्जा देना था। लेकिन मार्च 2021 में 1 करोड़ का कंपनी को और कर्जा आ गया, यानी डेट आ गया, तो इस बारे में कंपनी को जरूर ध्यान देना चाहिए। वैसे कर्जा तो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी क्लियर करके 0-0 अगर फिगर 0-0 में रहे तो वो अच्छा रहता है। इसका चले चलते इसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में आपको बता दूँ कि आज तो सैटरडे, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है, आपको पता ही है। फ्राइडे कल का क्लोजिंग प्राइस है 8 अप्रैल का। तो कल स्टॉक 6,399.35 रुपये पे क्लोज हुआ था, 1,066.55 रुपये ऊपर जाकर बंद हुआ था। 20% कल इस स्टॉक ने जंप लगाया, यानी 20% कल इस स्टॉक ने जंप लगाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। कल स्टॉक 20% ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। पिछले 5 दिन का परफॉर्मेंस देखते हो तो पिछले 5 दिन में पॉजिटिव टर्न रहा है, 24.26% का पॉजिटिव टर्न पिछले 5 दिन में ही दिया, यानी 24.26% का पॉजिटिव टर्न दिया पिछले 5 दिन में। और 1,249.35 रुपये पिछले 5 दिन में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले एक महीने की बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव टर्न है। पिछले एक महीने 27.86% का पॉजिटिव टर्न पिछले एक महीने का, यानी 27.86% का पॉजिटिव टर्न है पिछले एक महीने का। और 1,394.30 रुपये पिछले एक महीने में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले 6 महीने की बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव टर्न है। पिछले 6 महीने 47.45% का पॉजिटिव टर्न है पिछले 6 महीने का, यानी 47.45% का पॉजिटिव टर्न है पिछले 6 महीने का। 2,059.20 रुपये पिछले 6 महीने में स्टॉक ऊपर गया है। ईयर टू डेट देखते हो तो ईयर टू डेट में भी पॉजिटिव टर्न है। ईयर टू डेट में 25.09% का पॉजिटिव टर्न ईयर टू डेट का, यानी 25.09% का पॉजिटिव टर्न ईयर टू डेट का। और 1,283.40 रुपये ईयर टू डेट में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले एक साल का डेटा देखते तो ये भी पॉजिटिव टर्न है। पिछले एक साल में 104.96% का पॉजिटिव टर्न पिछले एक साल का, यानी 104.96% का पॉजिटिव टर्न है पिछले एक साल का। और 3,277.15 रुपये पिछले एक साल में स्टॉक ऊपर गया है। पिछले 5 साल का डेटा देखते तो ये भी पॉजिटिव टर्न है। पिछले 5 साल में 184.28% का पॉजिटिव टर्न पिछले 5 साल का, यानी 184.28% का पॉजिटिव टर्न है पिछले 5 साल का। और 4,148.25 रुपये पिछले 5 साल में स्टॉक ऊपर गया है। मैक्सिमम चार्ट देखते नहीं, लॉन्ग टर्म देखते तो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न ही दिख रहा है। उतना अच्छा रिटर्न नहीं, लेकिन ठीक ठाक ही है। 2006 से 2022 तक का डेटा, लगभग 16 साल का चार्ट आपके सामने था। 16 साल में 776.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, तो ठीक ठाक ही रिटर्न दिया। और 5,669.15 रुपये इन 16 सालों में स्टॉक ऊपर गया है। चार्ट पैटर्न आप देखते लिस्ट ने कहा स्टॉक एक ही टर्न में ऊपर गया, ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर या फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे गया। चार्ट पैटर्न भी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा। इसका चलिए चलते हैं NSE का ऑफिशियल वेबसाइट पे, बाकी जानकारी वहाँ पर देता हूँ। तो NSE का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए 8 अप्रैल, यानी कल का 4 बजे तक का रेट है। तो क्लोजिंग प्राइस बता चुका हूँ 6,399.55 रुपये का। प्रीवियस क्लोज होता 5,332.80 रुपये का था। ओपन जो हुआ था कल 5,282.35 रुपये पे हुआ था। और कल का हाई जो लगा था वो 6,399.35 रुपये का लगा था, जो कि 52-week हाई भी दिख रहा है। लो जो लगा था 5,235 रुपये का लगा था। क्लोज एडजस्टेड प्राइस 6,323.60 रुपये का है। 52-week हाई 52-week लो देखते तो 52-week हाई तो आपको बता ही चुका हूँ, जो कि कल लगा 6,399.35 रुपये का 8 अप्रैल 2022 को। 52-week लो की बात करें 3,054.55 रुपये का, जो कि 19 अप्रैल 2021 को लगा था, यानी लगभग पिछले साल 52-week लो लगा था। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देखते हैं, यानी डिलीवरी डेटा देखते हैं। तो डिलीवरी डेटा में 8 अप्रैल यानी कल का 4 बजे तक का डेटा है। तो कल इस स्टॉक में टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ था 15,321 क्वांटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुई थी, यानी 15,321 क्वांटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुई थी। और इसमें जो डिलीवरी क्वांटिटी तो 6,315 क्वांटिटी की टोटल डिलीवरी हुई थी, यानी 6,315 क्वांटिटी की टोटल डिलीवरी हुई थी। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी 41.22 यानी 41.22% की डिलीवरी, 20% से ज़्यादा की डिलीवरी अच्छी मानी जाती है। तो उससे ज़्यादा डिलीवरी हुई तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं, इसने जो डिविडेंड दिया है वो कब दिया कितना दिया ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इसने जो डिविडेंड दिया 2 फरवरी 2022 को इसने डिविडेंड दिया था, जो कि 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड था। 14 जुलाई 2021 को भी 20 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। 3 फरवरी 2021 को भी 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। 15 जुलाई 2020 को 25 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। और 11 जुलाई 2019 को 15 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। तो ये तो इसने जो लास्ट 5 डिविडेंड दिए थे कब दिए थे कितना दिए थे बता चुका हूँ। और इस स्टॉक का जितने भी जानकारी मेरे पास थे मैंने आप लोगों को दे दिए। लास्ट में डिसीजन आपको लेना है कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक को इग्नोर करना है।
लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं, प्लीज़ मैं सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपके क्वारी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप जरूर रिप्लाई यूज करूँगा। आपको कोई सजेशन चैनल को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड आई होप तक सब्सक्राइब कर देगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता है वीडियो में।